अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसा कि आपको पता है मेरा नाम मोहम्मद आसिम और आज मैं बताने वाला हूँ पीटीए की तरफ से जो मोबाइल क्लोज हो जाते हैं, जिनकी सिम चलना बंद हो जाती है, वो कैसे आप चला सकते हैं, पाकिस्तान में कैसे उनको अपलोड कर सकते हैं, कैसे उनका टैक्स पे किया जाता है। आप अक्सर ये होता है कि कहीं अब्रॉड से, कहीं भी फॉरेन कंट्री से मोबाइल मंगवाते हैं तो वो नॉन पीटीए होता है, उनके लिए टैक्स पे करना पड़ता है ताकि हम उसके अंदर सिम यूज़ कर सकें। तो ये सारा मैटर आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस, वीडियो को चलते हुए आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा और उसके साथ छोटा सा बेल आइकन है लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। तो चले चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको समझाते हैं कि आप कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं। तो गाइस, फाइनली हम स्क्रीन पर आ चुके हैं। स्क्रीन पे आएंगे तो आप मेन्यू में जाएंगे, मेन्यू में प्ले स्टोर को ओपन करना पड़ेगा आपको। जब आप प्ले स्टोर को ओपन कर लेंगे, इधर आपने सिंपली इधर सर्च करना है पीटीए। ये सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए है, सो पाकिस्तानी ही इसको चेक कर सकते हैं। ये मैंने ऑलरेडी सर्च किया हुआ था ताकि बाद में कोई इशू ना हो। जी, आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर लिया है। अब आपने सिंपली इसको ओपन करना है इंस्टॉल करके। जब आप इसको ओपन कर लेंगे तो इसके सामने आपको ये मेन्यू ओपन हो जाएगा। ये इधर इन्होंने लिखा हुआ है डिवाइस IMEI दर्ज करें। आप इसको चाहे इसकी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, ये ऊपर से इंग्लिश में भी हो जाएगी और इनके उर्दू में भी हो जाएगी। तो सिंपली गाइस, हम इधर तीन ऑप्शन मौजूद है, डिवाइस IMEI दर्ज करें। अगर आप दर्ज करना चाहते हो तो यहाँ लिखना होगा ये डिवाइस IMEI दर्ज करें। इसके नीचे ये देखें, इधर आप अपने 15 हिस्सों का जो IMEI है वो राइट करके तस्दीक कर सकते हैं। अगर टिक का निशान आया, गुड का निशान आया तो वो रजिस्टर्ड होगा। जिस पर भी ये रजिस्टर्ड होगा IMEI के ऊपर, वो मोबाइल का नेम भी बता देंगे। और इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि स्कैन करना, तो ये स्कैन करने की भी ऑप्शन इन्होंने दी हुई है। आप मोबाइल के स्कैन करके भी उसका IMEI चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एक थर्ड ऑप्शन मौजूद है इसमें, और ये ऑप्शन अक्सर नहीं होती OS में। ये देखें, इस OS एंड्रॉयड वर्जन में ये फीचर दस्तियाब नहीं है। ये तीन चीज़ें होती हैं, नॉर्मली हम राइड करके ही अपना IMEI चेक कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल सा वे है। आप कहीं से भी वाइड से डिवाइस मंगवाते हैं, परचेज करते हैं, यहाँ पे उसका IMEI राइड करें। अगर आपको IMEI राइड करने का नहीं पता तो IMEI कैसे चेक करते हैं, तो *#06# आप इस पर डायल करेंगे और उसको दबाएँगे, प्रेस करेंगे, तो वो आपके सामने इसका मोबाइल का IMEI आ जाएगा। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करते जाइएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। मुझे ये इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।